Welcome back, my dear kids, with another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. Class 1. आज हम अपना chapter number 4 start करेंगे और chapter का नाम क्या है? My School, मेरा विद्यालय. तो चलिए पढ़ते हैं अपने chapter को. Sum and substance. School, learning at school, places in school, inside the classroom. इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं. मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पे वर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड पिक्चर दी हुई है. आपको वर्ड्स को पढ़ना है और सही पिक्चर से उसको मैच करना है. जैसे वर्ड है डस्टर, चॉक, बुक एंड ब्लैक बोर्ड. तो डस्टर को आपको डस्टर की पिक्चर से मैच करना है, चॉक को चॉक की पिक्चर से. इसी तरह आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. स्कूल. स्कूल क्या है? स्कूल वो जगह है जहां पर हम पढ़ते हैं और खेलते हैं, दोनों काम करते हैं. आप स्कूल में स्टडी भी करते हैं, प्लेइंग भी करते हैं. आपका गेम्स पीरियड होता है तो आप गेम्स में जाते हैं. मोस्टली स्कूल में डांस और म्यूजिक पीरियड भी होता है. स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हम और भी एक्टिविटीज करते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न टू रीड एंड राइट. चिल्ड्रन हु स्टडी एट स्कूल आर कॉल्ड स्टूडेंट. स्कूल, विद्यालय वो जगह है जहां पर हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं. स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी भी कहते हैं. स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल. जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या पहन के जाते हैं? एक प्रॉपर ड्रेस होती है जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं. और स्कूल के सभी बच्चों की ड्रेस एक जैसी होती है, एक ही कलर की होती है. दे कैरी बैग विद बुक्स, लंच बॉक्सेस एंड वाटर बॉटल्स टू स्कूल. बच्चे स्कूल क्या लेके जाते हैं? बैग. और बैग में क्या होता है? किताबें होती हैं, लंच बॉक्स होता है, वाटर बॉटल होता है और क्या होता है? पेंसिल बॉक्स भी होते हैं. एट स्कूल स्टूडेंट स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट. दे ऑल्सो लर्न टू प्ले स्पोर्ट, सिंगिंग एंड डांसिंग. स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, एसएसटी. तो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स खेल भी खेलते हैं, डांस भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं. नाउ प्लेसेस इन स्कूल. स्कूल में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होती हैं. चलिए पढ़ते हैं. The teacher teaches the student in a classroom. A classroom has a blackboard, chair, table and cupboard. तो बच्चों आप कहाँ बैठते हैं स्कूल में? जब आप जाते हैं जहाँ आपकी टीचर आपको पढ़ाती है वो जगह कहलाती है क्लासरूम, जिसे हम हिंदी में कक्षा कहते हैं. क्लासरूम में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, टेबल, चेयर और कबर्ड, मतलब अलमीरा होती है जिसमें टीचर आपकी बुक्स और कॉपीज को बहुत ध्यान से रखती है. द लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर कैप्ट एंड स्टोर. वी कैन रीड बुक्स देयर इन साइलेंस. लाइब्रेरी वो जगह होती है, वो कमरा होता है जहां पर किताबों को रखा जाता है. आप लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स रीड करते हैं, लेकिन बिल्कुल शांति से. लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए. नाउ इंटरप्रिटेशन. वी शुड रिटर्न द बुक्स ऑन टाइम सो दैट अदर कैन रीड देम टू. अगर आप लाइब्रेरी से कोई बुक इश्यू करवा रहे हैं, पढ़ने के लिए ले रहे हैं, तो उसे टाइम पर वापस करिए ताकि और बच्चे भी उसे पढ़ सके. इन द प्ले ग्राउंड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मार्च पास्ट एंड प्ले स्पोर्ट. देयर आर स्विंग एंड सी सॉस इन द प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड वो मैदान है जहां पर बच्चे मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं, गेम खेलते हैं और क्या करते हैं? झूला झूलते हैं. प्ले ग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग तरह के झूले लगे होते हैं. स्टूडेंट लर्न टू पेंट, सिंग, डांस,
play musical instrument and do many other activities in activity room. Activity room वो कमरा होता है जहां पर बच्चे पेंट करना सीखते हैं, गाना, नाचना और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं. तो जहां पर ये सारी एक्टिविटी होती है उसे हम एक्टिविटी रूम कहते हैं. लर्निंग एट स्कूल, वी लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल. हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और सीखते हैं कहां पर, स्कूल में. वी नॉट ओनली लर्न गुड हैबिट एंड मैनर हियर बट ऑल्सो टू शेयर आर टू बी गुड टू आर फ्रेंड. हम स्कूल में सिर्फ अच्छी आदतें ही नहीं सीखते, हम स्कूल में शेयरिंग करना कि एक दूसरे से अपने सामान को शेयर करना सीखते हैं. और क्या सीखते हैं, दूसरों की हेल्प करना, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना. वी ऑल्सो लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन. हम स्कूल में सीखते हैं क्या, सबका आदर करना. बच्चों हमें अपने से बड़े और छोटों का आदर करना चाहिए. We should thank our teacher for making learning easy and fun. हमें अपने टीचर्स का थैंक्स, धन्यवाद करना चाहिए. किस लिए, कि वो पढ़ाई को क्या बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे वो बहुत इजिली हम बड़ी आसानी से हम पढ़ लेते हैं. किसमें, फन में, खेल खेल में सीख लेते हैं. Now, interpretation. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the second president of India. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे. His birthday, 5th September, is celebrated as Teacher Day every year. हर साल उनका जन्मदिन टीचर डे के रूप में मनाया जाता है. कब? 5th of September को. आप सबके स्कूल में टीचर डे सेलिब्रेट होता है ना, तो वो क्या होता है उस दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है. अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिनका पालन आपको अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में करना चाहिए. नंबर वन, वी शुड वेयर क्लीन एंड आयरन यूनिफॉर्म टू स्कूल. हमें स्कूल के लिए हमेशा साफ और प्रेस की हुई ड्रेस पहननी चाहिए. वी शुड रीच आवर स्कूल ऑन टाइम. स्कूल सही समय पर पहुंचना चाहिए. वी शुड लिसन टू व्हाट आवर टीचर से. आपकी टीचर क्या कह रही है, क्या पढ़ा रही है, उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. ये नहीं कि टीचर पढ़ा रही है आप इधर उधर देखें, टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. Inside the classroom, classroom के अंदर. A classroom is a place in the school where students study. It has door, window, desk and chair for student. While the teacher has a large desk and chair. Classroom वो जगह जहां पर बच्चे पढ़ते हैं. वहां पर क्या होता है बच्चों के लिए, दरवाजा, खिड़की, डेस्क एंड चेयर. दरवाजा आने जाने के लिए, खिड़की जिससे सनलाइट और फ्रेश एयर आए, चेयर्स एंड डेस्क जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ते हैं. और क्या होता है टीचर के लिए, एक बड़ा सा टेबल और चेयर होती है पे आपकी टीचर बैठती है, वो चेयर होती है, और टेबल जिस पर आपकी टीचर रखकर आपकी कॉपीज को चेक करती है. अ ब्लैक बोर्ड इज यूजिंग फॉर टीचिंग विद चॉक एंड अ डस्टर. ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर आपकी टीचर लिखकर आपको पढ़ाती है, और ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं किससे, चॉक से. और क्या यूज करते हैं, डस्टर, जब हमें कुछ मिटाना हो. The room also has a bookshelf, clock, chart and a dustbin to maintain cleanliness. और क्या होता है इस रूम में, इस रूम में bookshelf होती है जहां पर बुक्स रखी जाती हैं, क्लॉक होती है टाइम देखने के लिए, charts होते हैं और dustbin होता है. Dustbin किस लिए होता है, ताकि जो भी कूड़ा है वो उसमें डाल सकें, जिससे हमारा क्लासरूम क्या रहे, बिल्कुल साफ रहे. Now, our helpers at school. वो लोग जो हमारी मदद करते हैं कहां पर, स्कूल में.
देयर आर मेनी पीपल्स हु हेल्प अस इन आर स्कूल. स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. गार्ड, द गार्ड टेक्स केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द स्कूल. सबके स्कूल के गेट पर गार्ड भैया होते हैं या गार्ड अंकल होते हैं. वो क्या करते हैं? वो स्कूल की सुरक्षा करते हैं. बस ड्राइवर, द बस ड्राइवर पिक अप द स्टूडेंट फ्रॉम देयर होम एंड ड्रॉप देम इन द स्कूल. बस ड्राइवर बस को चलाते हैं, बच्चों को घर से पिक करते हैं और कहाँ छोड़ते हैं? स्कूल में. और छुट्टी के टाइम स्कूल से पिक करते हैं और बच्चों को उनके घर पर ड्रॉप करते हैं. नाउ टाइम टू लुक ओवर. अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न टू रीड एंड राइट. स्कूल वो जगह है जहां पर हम सीखते हैं पढ़ना और लिखना. अ स्कूल हैज मेनी प्लेसेस सच एज क्लासरूम, अ प्लेग्राउंड एंड अ लाइब्रेरी. स्कूल में बहुत सारी जगह होती है, क्लासरूम, प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी होती है. वी वेयर आर यूनिफॉर्म वाइल गोइंग टू स्कूल. जब हम स्कूल जाते हैं हम क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म. वी लर्न गुड हैबिट एंड मैनर्स इन द स्कूल. हम स्कूल में अच्छी आदतें सीखते हैं. आपके टीचर आपको अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं तो आप सबको गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए. नाउ टाइम फॉर एस्टिमेशन कॉर्नर. तो लेसन के बेस पर अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चुनिए. पहला सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स इन. बच्चे पढ़ते हैं किससे? टीचर से. कहां पर? कैंटीन, क्लासरूम, प्लेग्राउंड या नन ऑफ दी. हम सब पढ़ते हैं क्लासरूम्स में. नंबर टू, वी प्ले इन द. हम कहां खेलते हैं? क्लासरूम, क्लास, प्लेग्राउंड या नन ऑफ दी. बताइए. यू आर राइट. हम सब कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड में. नंबर थ्री, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन. टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? हम टीचर्स डे मनाते हैं 5th of September को. हर साल 5th of September को टीचर डे मनाया जाता है. नंबर फोर, वी लर्न डैश मैनर्स इन द स्कूल. स्कूल में हम कैसी आदतें सीखते हैं? गुड, बैड, नाइस या ऑल ऑफ दीज. तो हम स्कूल में सीखते हैं गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प ऑफ. आप कुछ खाली स्थान है, आपको उनको फिल करना है बॉक्स की हेल्प से. बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड को चुनना है. नंबर वन, डैश इज अ प्लेस वेयर वी लर्न रीड एंड राइट. वो जगह जहां पर हम सीखते हैं लिखना और पढ़ना. तो वो क्या जगह है देखते हैं? यूनिफॉर्म, स्विंग, बस ड्राइवर, स्कूल, सीसॉ या लाइब्रेरी. तो सही आंसर है स्कूल. तो हम यहाँ पे लिखेंगे SCHOOL, स्कूल. स्टूडेंट वियर डैश व्हेन दे गो टू स्कूल. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं? बच्चे पहनते हैं यूनिफॉर्म. तो हम यहाँ लिखेंगे UNIFORM, यूनिफॉर्म. द डैश इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. वो जगह जहां पर किताबों को रखा जाता है वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह कहलाती है लाइब्रेरी. हम यहाँ लिखेंगे LIBRARY, लाइब्रेरी. नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत. स्टूडेंट प्रैक्टिस मार्च पास्ट इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में स्टूडेंट मार्च पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू. वी शुड रीच आर स्कूल ऑन टाइम. स्कूल सही समय पर जाना चाहिए. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो हम यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू. नंबर थ्री, अ स्कूल हैज मेनी प्लेग्राउंड. स्कूल में बहुत सारे खेल के मैदान होते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं.
नंबर फोर, वी रीड बुक्स इन द कैंटीन. कैंटीन में हम बुक्स रीड करते हैं? नो, हम बुक्स रीड करते हैं लाइब्रेरी में. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, गलत है ये स्टेटमेंट. एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. माई डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यू विल रीड योर चैप्टर वेरी केयरफुली एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. So, my dear student, in this chapter we have learned about school. हमने स्कूल के बारे में पढ़ा, different rooms of school के बारे में पढ़ा और हमने कुछ rules के बारे में पढ़ा जो हमें school में follow करने चाहिए. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.